नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी है। हालांकि ये तैयारियां बीते एक साल से हो रही हैं, लेकिन अब इन तैयारियों को मूर्त रूप बनते देखा जा रहा है, क्योंकि ईवीएम के मामलों को लेकर उलझे पेच को इस बार सबसे पहले सुलझा दिया गया। पिछली बार अगर आपको याद हो तो ईवीएम ही वो मुद्दा था जिसके कारण गांव की सरकार समय पर नहीं बन पाई थी, जिसके बाद से ही सभी गांव की बागडोर परामर्शी समिति के हाथों में सौंप दी गई है। हालांकि अब इस बात की उम्मीद है कि पंचायत चुनाव को निर्धारित समय पर आयोजित करवा लिया जाएगा। इसी कड़ी में अब बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर दूसरे राज्यों से मंगाए गए सभी ईवीएम को 20 अगस्त तक पूरी तरह तैयार करने का निर्देश जारी किया गया है। यानी कि 20 अगस्त तक सभी ईवीएम का फर्स्ट लेवल जांच पूरा कर लेना होगा। इसके लिए पंचायतों को संबंधित दिशा निर्देश जारी किया गया है। आयोग के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन की विशेष निगरानी में ईवीएम का यह प्रक्रिया पूरी होने की संभावना जताई गई है। संबंधित और निर्माता कंपनी के इंजीनियर चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर सभी जिलों में जाकर जांच करेंगे। इसके लिए ईवीएम निर्माता कंपनियों को राज्य निर्वाचन आयोग ने पत्र जारी कर दिया है, ताकि सभी जिलों में समय पर तकनीकी विशेषज्ञों को भेजा जा सके। इसके साथ ही अगस्त महीने से शुरू होने वाले चुनावी प्रक्रिया के क्रम में आखिरी सप्ताह तक राज्य में पंचायत चुनाव के लिए आचार संहिता लागू की जा सकती है। चुनाव प्रक्रिया सितंबर अक्टूबर तक संपन्न कराने की तैयारी की जा रही है, जिसके बाद 10 चरणों में चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया है कि आगामी पंचायत चुनाव में बिहार पुलिस के ही जवान सुरक्षा में तैनात होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया है कि आगामी पंचायत चुनाव में बिहार पुलिस के ही जवान सुरक्षा में तैनात रहेंगे। राज्य में अतिरिक्त पैरामिलिट्री फोर्स या केंद्रीय सुरक्षा बलों की जरूरत नहीं होगी। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार पंचायत चुनाव के दौरान सभी जिलों में जिला पुलिस बल, बीएमपी और होमगार्ड के जवानों को तैनात किया जाएगा। इनमें सशस्त्र और लाठी बल के जवानों की तैनाती अलग अलग स्थानों पर की जाएगी। इसके साथ ही चुनाव के दौरान चलंत दस्ते में शामिल पुलिस के जवान की पंचायत चुनाव पर नजर रखेंगे और किसी भी उपद्रव या अप्रिय घटना पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग की यही कोशिश है कि पंचायत चुनाव का आयोजन समय पर करवा दिया जाए, ताकि पंचायतों का संचालन सही से हो सके। हालांकि इन सब के बावजूद राज्य निर्वाचन आयोग के सामने इस वक्त पंचायत चुनाव के आयोजन के बीच कोरोना और बाढ़ दोनों एक बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने आई है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग की यही कोशिश है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में सबसे अंतिम में चुनाव का आयोजन करवाया जाए, ताकि बाढ़ से ग्रसित लोग भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके और अपने इच्छा अनुसार गांव की सरकार बना सके। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।